दो तारांकित सवाल लगे हुए थे नंबर 2 और 3 में, और ध्यान आकर्षण में भी भूमि सुधार को रिलेटेड एक सवाल लगा हुआ था। अगर आज ये सवाल सामने आता था तो बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारियों का पोल आज विधानसभा में खुलने वाला था, मगर मुझे तो मैं इसको षड्यंत्र ही कहूंगी या एजेंडा कहूंगी कि बिल्कुल अल्पसूचित और ध्यान आकर्षण के समय में ही इन्होंने इतना, विपक्ष ने इतना बवाल किया और इन सभी बातों को सदन में रखने का हमें मौका नहीं दिया। आज ये इतने महत्वपूर्ण चीज है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मामला इतना गंभीर है। जब उस अधिकारी को मालूम पड़ा कि उसका नाम इस मामले में सामने आने वाला है तो मुझे संपर्क करने की प्रयास की गई ताकि मैं इस मामले को सदन से बैकआउट करा दूं। और ये दो मामला है सबसे महत्वपूर्ण मामला। पहला मामला है, आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहूंगी, बरही प्रखंड हजारीबाग का मामला है जहां पे 8 एकड़ वन भूमि को म्यूटेशन कर दिया गया है और किसी मनोज यादव के नाम पे कर दिया गया है। आप आरटीआई के माध्यम से हमने जब पता किया तो ये वन विभाग ने भी बताया है कि ये वन भूमि ही है, 8 एकड़ का जमीन, ये कोई छोटा मोटा जमीन नहीं है। और सारे अधिकारी इसमें मिले हैं, इतने सारे पत्रांक हुआ है, उपायुक्त तक को पत्रांक हुआ है इस बारे में, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जब इसकी बात सदन तक हम आज उठाने वाले थे तब जाके उपायुक्त को वहां पे एक पत्रांक विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगर आज इन सभी मामलों को लेके झारखंड राज्य, झारखंड सरकार सतर्क नहीं होती है तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो जल जंगल जमीन है केवल शब्दों में ही सीमित रह जाएगी और जो आदिवासी है उन्हें म्यूजियम में रखना पड़ेगा, क्योंकि जमीन नहीं रहेगा तो और जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासी विलुप्त। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।